नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा खास वीडियो है। ऐसा वीडियो मैंने पहले चैनल पर कभी अपलोड नहीं किया है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि 220 वोल्टेज में चलने वाला 220 वोल्टेज में चलने वाला फैन जो कि 1440 आरपीएम में है, कूलर हो सकता है, फराटा हो सकता है, उसको आप आधे वोल्टेज में कैसे चलाएं। ठीक है, यानी कि 100 वोल्टेज में उसको कैसे चलाएं। 220 वोल्टेज का चीज जो होती है, आपके घर में अगर 200 लाइट आती है तभी वो चल पाता 220 का। ठीक है, लेकिन उसको अगर किसी के घर में कम लाइट आ रही है, आधी लाइट आ रही है, 100 के आसपास, 100 है, 110 है, तो इतनी ही लाइट आती है, तो वो ये काम कर सकता है आसानी से। ठीक है, तो कैसे आपको चलाना है 220 वोल्टेज की चीज, 220 वोल्टेज का फैन कूलर आपको 100 में कैसे चलाना है, वो यहां पे डायग्राम से मैं आपको समझाऊंगा। तो ध्यान से देखिए वीडियो को, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको दूंगा, तो वीडियो के साथ बने रहे लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हमारा जो 1440 आरपीएम का, ठीक है, जो कूलर है, जो फ्राटा है, जिसको 1440 आरपीएम का जो हमारा फ्राटा फैन होता है, चार पंखड़ी का, ठीक है, उसके अंदर टोटल 8 कॉयलें डाली जाती है दोस्तों। चार कॉयलें रनिंग की होती हैं, चार स्टार्टिंग की होती है। आपको वाइंडिंग सेम रखनी है, बस कनेक्शन में बदलाव आपको करना है। देखिए मैं यहाँ पे डायग्राम से आपको समझा रहा हूं, तो बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे। ठीक है, जब आप मोटर को रिवाइंड करते हैं, तो मैं यहाँ पे कॉयले बना देता हूं पहले। देखिए कॉयल नंबर 1, कॉइल नंबर 2 हो गया, और ये 3 हो गया, और ये 4 हो गया। ये सभी रनिंग की हैं, ठीक है, 1 2 3 4, ये 1 है, ये सभी रनिंग की हैं। ठीक है, तो ये सब रनिंग की हो गई, और इसी तरह होती है स्टार्टिंग की। तो अब ध्यान से देखिए, हम इसके कनेक्शन जो करते हैं, आपने पंखे को रिवाइंड कर लिया है 1440 में, कूलर को रिवाइंड कर लिया है 1440 में, और चार कॉयल आपकी रनिंग की हैं, चार बाकी स्टार्टिंग के बाद में बताएंगे स्टार्टिंग के बाद। तो पहले रनिंग के बारे में बताते हैं। तो इसके सभी के दो दो तार होते हैं, एक इनर होता है, एक आउटर होता है। ठीक है, एक इनर होता है, एक आउटर होता है। ठीक है, सभी में। तो आपको एक काम करना है, आपको इनर आउटर से कोई मतलब नहीं रखना है, कोई भी मतलब नहीं रखना है। सिंपल भाषा में बता रहा हूं, पहली आपने पहला जहां से आपने रिवाइंड शुरू किया उसको पकड़ सकते हैं, या खत्म किया उसको पकड़ सकते हैं, बीच वाले को पकड़ सकते हैं, कोई से क्वाइल को पकड़ लो, कोई कंफ्यूजन नहीं। कोई सा तार, कोई सी क्वाइल का, एक तार पकड़ लो। ठीक है, एक तार छोड़ना है उस क्वाइल का जो पकड़ा आपने। मान लीजिए पहली क्वाइल का हमने ये वाला तार पकड़ लिया है, अब इसको 1 से 3 में आप जोड़ दो, तो 1 2 3, 1 से 3 में इसको जोड़ देना है, 1 से 3 में इसको यहां पे हम जोड़ देते हैं। तो ये तार 1 से 3 में जुड़ गया है। ठीक है, अब एक का कनेक्शन दूसरे के साथ हो चुका है। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि आप 3 पे पहुंच जाओ, 3 पे,
ठीक है। आपने सबसे पहले हमने पहले का दूसरे के साथ कॉइल के साथ कनेक्शन किया 1 से 3 में, तो इनके दो तार जो बचे हैं, पहले का बचा है एक, एक दूसरे का बचा है, इनको कनेक्शन नहीं देना है 3 4 में। अब 3 4 का भी कनेक्शन इसी तरह से आपको करना होगा। जैसे हमने पहले सेट का, ठीक है, एक तार छोड़ा था और अगला तार जोड़ा था, ऐसे ही हमने पहले इसका एक तार छोड़ देना है, तीसरे सेट का छोड़ देना है, और अगला तार ये वाला पकड़ना है, 1 से 3 में जोड़ना है, 1 2 3, 1 से 3 में जोड़ देना है, ठीक है। अब ये 2 पॉइंट बजाते हैं, 3 नंबर 4 नंबर की भी। टोटल हमारे पास 4 पॉइंट बचे हैं, पहले का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का। अब हमको देखना है कि कौन सा पॉइंट किस पॉइंट के सामने है, जस्ट आमने सामने होने चाहिए। तो पहले के सामने है तीसरे का और दूसरे के सामने चौथे का, ठीक है। अब इनको आप क्या करें, एक कर दें, ठीक है, एक कर दें। मैं थोड़ा कलर थोड़ा सा यहां पे चेंज कर लेता हूं, तो इन सबको एक कर दें आमने सामने। इसके सामने ये वाला है, एक हो गया, और इसके सामने ये वाला है, जैसे कि चक्की मोटर के अंदर करते हैं डेल्टा में, पैरलर के अंदर, ठीक है। अब हमने आमने सामने कर दिया है, तो एक पॉइंट हमारा ये बन गया है, और एक जो आमने सामने किया है ये वाला हमारा बन गया है, ठीक है। ये जो तार है ऐसे जा रहा है, इसके ऊपर से जा रहा है, ठीक है। तो जो आमने सामने करे हैं उसके एक एक पॉइंट हमारे बन गए हैं। तो इस एक पॉइंट को आप रनिंग का R1 मान सकते हो, इसको R2 मान सकते हो, सेम टू सेम इसी तरह से स्टार्टिंग के भी होंगे सेम तरीके से। तो स्टार्टिंग के लिए भी मैं एक कलर ले लेता हूं अलग से, तो दोस्तों सेम तरीके से यहाँ पे मैं बना रहा हूँ डायग्राम स्टार्टिंग का भी, ठीक है। अब दोस्तों स्टार्टिंग वाले में भी इसी तरह से देखिए, सेम तार हैं, सेम तरीके से कनेक्शन करने हैं। तो मैं आपका टाइम जैसा इसमें किया था सेम तरीके से करने हैं, आपका टाइम खराब नहीं करूंगा। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, स्टार्टिंग के सारे कॉइल हैं। तो पहला छोड़ना है, इसको 1 से 3 जोड़ना, 1 2 3, ठीक है, इसको छोड़ देना है। उसके बाद तीसरे का एक छोड़ना है और इसको 1 से 3 में, 1 2 3, ठीक है। अब 4 पॉइंट बचे हैं, इनको आमने सामने जोड़ देने हैं, जो पॉइंट बचे हैं वो। तो ये सभी स्टार्टिंग के हैं सारे के सारे चारों। अब इनको बिल्कुल आमने सामने जोड़ देना है, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक को बोल सकते हो S1, एक को बोल सकते हो S2, ठीक है। अब हमारे पास टोटल 4 तारे हैं, ठीक है, R1, R2, ठीक है, S1, S2, रनिंग का 1, रनिंग का 2, स्टार्टिंग का 1, स्टार्टिंग का 2। अब आपको क्या करना है कि एक एक तार लेना है, एक रनिंग का लेना है आपको, रनिंग का 1 लेना है, ठीक है, और स्टार्टिंग का 1 आपको लेना है। ये पॉइंट्स हैं, इनको आपस में जोड़ देना है, ठीक है।
ये आपका कॉमन बन गया है। और बाकी बचे दो तार हैं उनको डायरेक्टली बाहर निकाल देना है। तो तीन तार बाहर निकलेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, अच्छे से समझा देता हूँ। चाहे तो आप चारों को बाहर निकाल सकते हैं, चारों को, ठीक है। एक तार, दूसरा तार, एक तार, दूसरा तार, ठीक है। ये वन है, ये टू है, ठीक है। और इसी तरह से ये वन है, ये टू है, ये रनिंग के हैं, ये वाले स्टार्टिंग के हैं, ठीक है। अब आपको करना क्या है, एक रनिंग का लेना है, एक स्टार्टिंग का लेना है, ठीक है। और इनको तो एक कॉमन बना देना है, और इसमें आप डायरेक्ट 220, सॉरी हमने 100 का बनाया है, प्लस वाला तार दे देना है, ये वाला, ठीक है। और एक जो बचा है उसमें आपको कैपेसिटर लगा देना है। कैपेसिटर में दो तारें होती हैं, एक यहाँ पे लगा दीजिए, एक यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक है। अब आप अगर दूसरा तार यहाँ पे देंगे तो भी मोटर चलेगा, यहाँ पे दे देंगे तो भी मोटर चलेगा। तो लेफ्ट राइट करने के लिए आप यहाँ पे भी दे सकते हो, यहाँ पे भी दे सकते हो, लेकिन रनिंग है तो रनिंग में ही दिया जाता है। तो यहाँ पे हम इसको दे देंगे, इस वाले में, यहाँ पे आप माइनस दे सकते हो। आपको टोटल 100 वोल्टेज की ज़रूरत पड़ेगी इसको चलाने के लिए, 100 वोल्ट एसी, 100 वोल्ट एसी में आपकी मोटर आराम से चलेगी। कैपेसिटर आपका जो है वो आप पंखे के हिसाब से, मोटर के हिसाब से जो लगाते थे वो लगा सकते हैं। आपको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। जैसे आप 4 का लगाते थे तो आपको उससे कम करना पड़ेगा, 6 का लगाते थे तो आपको 4 का करना पड़ेगा, 8 का लगाते थे तो आपको 6 का करना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि कॉइल भी यहाँ पर रेजिस्टेंस भी कम हो गया है और कैपेसिटर की इतनी अब ज़रूरत भी कम है, ठीक है। तो आप अपना कैपेसिटर भी जो है वो घटा सकते हैं अपने स्पीड के हिसाब से, मोटर के हिसाब से। तो कैपेसिटर भी आप घटा सकते हैं, जैसे आप 4 का लगाते थे तो आपको 2 पॉइंट, या आप 2.5 का लगा सकते हैं। अगर 2.5 पे ठीक स्पीड नहीं मिलती है तो आप 3.15 का लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं लगाना है। इससे ज़्यादा आप लगाने की कोशिश करेंगे तो वाइंडिंग जलने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, कैपेसिटर आपने घटाना है क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज घट गई है और कॉइल का रेजिस्टेंस भी घट गया है। तो ये तरीका है, इस तरह से कनेक्शन करके आप अपने जो 220 वोल्टेज में आप चलाते थे अपने पंखे को, कूलर को, इस तरह से चला सकते हैं। बाकी 2880 को भी आप चला सकते हैं बिल्कुल सेम तरीके से। उसका भी मैं एक छोटा सा डायग्राम आपको वीडियो में दूंगा, ठीक है, कल आपको बताऊंगा, कल शाम को वीडियो देंगे उसमें। तो 2880 में भी ऐसा कर आप सकते हैं सेम तरीके से, वाइंडिंग में आपका कोई बदलाव नहीं होगा। अगर वाइंडिंग में बदलाव करना चाहते हैं तो आप इतना करें कि आप गेज को कम कर सकते हैं, गेज को पतला कर सकते हैं, ठीक है, मोटा नहीं करना आपको, पतला कर सकते हैं। गेज का नंबर आप बढ़ा सकते हैं, अगर आप गेज का नंबर बढ़ाएंगे तो गेज पतला हो जाएगा, ठीक है। तो एक नंबर गेज को आप पतला भी कर सकते हैं अगर आपके वोल्टेज कम है, और फिर ये वाले कनेक्शन लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपकी मोटर जो है ठीक चलेगी। तो ये वीडियो है, तो इसमें थोड़ी सी सावधानी भी आपको रखनी है, जैसे कि मैंने बताया कैपेसिटर की सावधानी, या आप गेज का नंबर जो है वो थोड़ा सा पतला कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस पर बहुत ज़्यादा हो जाता है,
उस रेजिस्टेंस की वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, मोटर को जलने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका मैं एक आपको प्रैक्टिकल वीडियो भी दूंगा, एक पंखे को रिवाइंड करके 2880 में, और फिर उसका एक प्रैक्टिकल वीडियो भी आपको दिखाऊंगा कि मोटर पे स्पीड पर क्या फर्क पड़ता है, कितनी स्पीड मिलती है आपको 100 वोल्टेज में, ठीक है, कितना हीट होता है, वो सारी चीजें आपको बताऊंगा। तो इस तरीके से आप अपनी मोटर को 100 वोल्टेज में चला सकते हैं, आपके घर में वोल्टेज की कमी है तो। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, 100 से ऊपर आप वोल्टेज देंगे तो आपकी मोटर फिर जलेगी, ये चीज इसमें ध्यान रखिए। फिर मत कहना कि भाई ये नहीं बताया था, मैंने 100 वोल्टेज की बात करी है, 110 तक भी कोई दिक्कत नहीं है, बट इससे ऊपर वोल्टेज फिर ये सहन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 100 वोल्टेज में आपको ठीक ठाक स्पीड यहाँ पे मिल जाती है, जो स्पीड होनी चाहिए, और कैपेसिटर भी आपको कम ही रखना है इसमें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए। ये जो कनेक्शन है ये यहाँ पे डेटा सेम रहेगा, डेटा में आप एक चीज कम कर सकते हैं, या तो टर्न को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, हल्का सा रनिंग और स्टार्टिंग दोनों में 10-10, 20-20 टर्न बढ़ा सकते हैं ये कनेक्शन करते हैं तो, या फिर अगर डेटा में आप चेंज करना चाहें तो गेज को थोड़ा सा पतला कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे ये होगा कि जो मोटर के जलने के चांसेस रहते हैं वो कम होंगे। ठीक है, बाकी आप सिर्फ कनेक्शन कनेक्शन चेंज करना चाहते हैं तो सिर्फ कनेक्शन कनेक्शन पे चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 100 वोल्टेज में चल जाएगा। तो इसका मैं एक वीडियो भी आपको बताऊंगा, ठीक है, प्रैक्टिकल वीडियो भी, और 2880 वाली चीजों को कैसे करते हैं। इसमें आप कूलर ले सकते हैं, कूलर जो आते हैं ना, 4 रनिंग की कॉयलें होती है, 4 स्टार्टिंग की वो वाले, और 4 4 कॉयलें देख के आप कर सकते हैं। ठीक है, आपको आरपीएम से कुछ लेना देना ना है, आप सब कॉयल देखना बस, जहां 4 4 दिखे ये कनेक्शन कर दो, और आपका आधा वोल्टेज में आपका मोटर चलेगा। वीडियो काफी लंबी हो गई दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ। जय जवान।